टू वॉटनी क्लास एमजीपी रोक सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेलाइक तो ना से कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए किसी जानकारी से वंचित ना रहे तो देखिए आज हम बात करेंगे कंपलसरी पेपर को करकुलर पेपर है जो कि फिफ्थ सेमेस्टर का देखिए आज हम बात कर रहे हैं वो पेपर की जो की बी ए बी इस बार सभी में एक जैसा होगा मैं बता दूं आपको क्वेश्चन का सीरीज बदल सकता है लेकिन जो टॉपिक है जिसका नाम है वो एक जैसा ही है तो आप लोग देखिए आउट आया था यह काफी बच्चे पूछ रहे थे कि इस बार कैसा कुछ होगा तो मैं बताऊँ सभी के लिए जैसा कि का फूड न्यूट्रिशन का पेपर दिया था सभी के लिए एक जैसा था बस थोड़ा सीक्वेंस चेंज था तो वही सीक्वेंस चेंज हो सकते हैं क्वेश्चंस के या कुछ नए हो सकते हैं उसमें ऐड हो जाएं लेकिन अभी जो पेपर हुआ है एमजीपी रोकेमिस्ट्री में तो वो है कॉमर्स का मतलब बीकॉम का पेपर हो चुका है तो आज हम उसके आंसर की, -की बात करेंगे कि कैसे-कैसे क्वेश्चन -कैसे आए थे थोड़ा लेट जरूर हो गए हैं लेकिन आज हम डिटेल में बात करेंगे एंड नए क्वेश्चन भी बताएंगे और एक साथ दो पेपर दिखाऊंगा लेकिन सबसे पहले बिग थैंक्स फॉर अदिति जिसने कि हमें प्रॉपर प्रोवाइड कराया आप लोग इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ये कोड क्राफ्ट विद अदिति इसका चैनल है आप लोग सर्च कीजिए एंड उसके बाद में इसको भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए क्योंकि काफी अच्छा टेक्निकल वर्क है देखिए अगर आपको कंप्यूटर सीखना है थोड़ा सा कोडिंग सीखनी है तो आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं मतलब बहुत अच्छा सा लर्निंग क्लास है और अब बात करते हैं पेपर की तो देखिए सबसे पहले बात करूं ये पेपर का थोड़ा सा देख लीजिए आप इस टाइप का पेपर आया था और ये जो रेड मैंने मार्क लगा रखे हैं ये इसका मतलब यहां पे देखिए यहाँ पे जो रेड मार्क आपको शो हो रहा होगा वो सही क्वेश्चन का आंसर है तो आप देखिए थोड़ा पढ़ते जाइए क्योंकि सारे क्वेश्चन को मैं नहीं पढ़ूंगा लेकिन आप लोग देखते जाइए पूरी डिटेल में वीडियो है उसके बाद में एक और पेपर है ठीक है और उसके बाद में कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं जो कि नेक्स्ट आ सकते हैं तो थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा वीडियो लेकिन आप आराम से देख लीजिए देखिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा बी देखिए यहाँ पे आप देखते जाइए थोड़ा सा क्योंकि इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि जो डि डिजिटल ठीक है तो डिजिटल के साथ साथ यहां पे अवेयरनेस भी है तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड हैं ठीक है संबंध बताए जाएंगे आपको कि आपके माता पिता के साथ में क्या संबंध था ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी आएंगे इसमें तो देख लीजिए आप बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर डिटेल में यहां पे दिख रहे हैं आपको अब आपने कितने क्वेश्चन सही किए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस बार एमजीपी रोक पता नहीं काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर 75 क्वेश्चंस का यहाँ पे दिख रहा था लेकिन 100 क्वेश्चन आए थे लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप कुछ अभी एक नया कुछ गाइडलाइन जारी किया है क्योंकि 100 क्वेश्चन का ही होता है हर बार जैसा कि पहले हुआ है लेकिन फिर भी अगर आपने सेवेंटी फाइव किए हैं तो आप देख लीजिए कितने सही किए बाद में अगर आपने हंड्रेड भी किए हैं तो लास्ट वाले आपके अगर कैंसिल होते हैं तो लास्ट वाले कट जाएंगे कोई बात नहीं है अब हम बात करें क्वेश्चन पेपर की तो देखिए ये थोड़ा इस तरह से पेपर था इसके साइड यहाँ पे पड़ा हुआ है बाकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा आप मुझे कमेंट कीजिए मैं प्रोवाइड करा देता हूँ उसका पीडीएफ भी अब देख लीजिए आप लोग देखिए फिफ्थ क्वेश्चन होगा फिफ्थ ये देखिए इसका आंसर होगा बी एंड अगर सेवन की बात करें तो यहाँ पे आंसर होगा बी और अगर एट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे उसके भी आंसर यहाँ पे सी दिखाया जा रहा है उसके बाद में नाइन नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए आंसर है डी देखिए अगर फिर भी आपके समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आता अगर आपको लगता है कि इसका आंसर दूसरा होगा तो आप हमें कमेंट कीजिए जिससे कि हम उसको देख पाए और सुधार भी कर पाए ठीक है और इसी के बाद में मैं अभी एक और वीडियो वीडियो को पोस्ट करने वाला हूं वो है ह्यूमन वैल्यू और एनवायरमेंटल स्टडीज का जो बच्चे का अभी आपको पता है फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के भी पेपर हुए थे तो काफी बच्चे कह रहे होंगे सर उनका अभी आपने आंसर की नहीं बताया तो जल्दी थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे जल्दी में थोड़े से टाइम के बाद में जल्दी एक और वीडियो पोस्ट करता हूं जिसमें विद आंसर होगा दोनों पेपर के लिए आपका फूड एंड न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्ट्री जो थर्ड सेमेस्टर का और फर्स्ट सेमेस्टर दोनों के लिए तो अभी ये फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर है और ये मैं आपको बता दूं बीएससी वाले एंड बीए वाले देख लीजिए ये पेपर आप थोड़ा सा समझ लीजिए इस बार पेपर थोड़ा सा कठिन जरूर लग रहा है लेकिन थोड़ा सा बस समझने की आपको बात है बाकी बहुत अच्छा पेपर आया है मतलब से कह सकते हैं बैलेंसिंग पेपर है क्योंकि इसमें कंप्यूटर के काफी क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन दिए हैं कंप्यूटर के एंड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बट अगर थोड़ा सा समझ लिया आपने हल्की फुल्की रीजनिंग भी अगर आपकी आती है थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा पूछा है ए बी सी और उसके बाद में ब्लैक थोड़ा सा ब्लैंक कर दिया है कि डी के बाद क्या आएगा तो थोड़ा सा अलग दे दिया है कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ठीक है तो आप देख लीजिए बाकी आपको अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो इस क्वेश्चन के पेपर में कुछ भी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ गड़बड़ दिख रहा हो आपको तो आप हमें कमेंट कीजिए ठीक है लेकिन फालतू के कमेंट मत कीजिए ये पेपर एमजेपी रोक का ही है अगर जिन लोगों ने पेपर दिया है उन लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि हाँ ये एमजेपी रोकनवर्सिटी का पेपर है ठीक है बाकी कुछ बोल दें तो आप मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कुछ भी बोलते रहिए मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं कमेंट डिलीट कर दूंगा मैंने आपको पहले ही बोल रखा है अब देख लीजिए आप ये देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चंस का थोड़ा सा थो थो मैं पढ़ भी लेता हूं देखिए एक पूरा का पूरा इसमें दस से लेकर चौदह तक का एक सारांश दिया गया है कि इसको निम्नलिखित में से देखिए एक यहाँ पे है कि कुछ संबंध टाइप दिया गया है ठीक है तो उसमें अगर आप देखिए फ्रूट अगर मैंगो अगर फ्रूट है तो पोटैटो क्या होगा तो आपको सबको पता है कि स्टेम होगा ठीक है एंड इसके बाद में यहाँ पे देखिए बुक यहाँ पे देखिए बुक पब्लिशर लिखा है और फिल्म क्या होता है

एक ये क्वेश्चन था शायद अठारह नंबर का क्वेश्चन है एक मिनट रुकी है मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं लेकिन जो जो लेवल था ना कि फिफ्थ सेमेस्टर में है तो मतलब थर्ड ईयर में स्टूडेंट है तो थोड़ा सा लेवल दिखाया जाए उसको तो बहुत अच्छा बीएससी और बीए बीकॉम मतलब आप थोड़ा ग्रेजुएशन के तीसरे साल में है तो आपको दिखाया जाएगा कि क्या पेपर है तो उस हिसाब से बहुत वैसे तो सोरे तो क्वेश्चन आते थे विटामिन और मिनरल्स पूछे जाते थे नॉर्मली बच्चा कर देता था कि सर ये तो विटामिन ही आ रही हैं लेकिन इस बार का जो पेपर है ना वो थोड़ा सा अच्छा है फूड एंड न्यूट्रिशन एंड उसका जैसा नहीं है बहुत सरल सा पेपर आपको लगे कि सरल है पेपर इस बार थोड़ा सा ट्रिकी पेपर दिया है बहुत अच्छा मुझे लगा पेपर बहुत अच्छा है ठीक है और बी एंड बी कॉम बी वाले आप लोग देख लीजिए आज आपका लास्ट बी वालों का तो आज इस पेपर है उसके बाद केमिस्ट्री के पेपर है उसके बाद ये पेपर आप देख लीजिए जल्दी से आपको भी ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा तो जल्दी से लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे कि उन लोगों को फायदा हो और जल्दी मैं आए, देखिए अभी तक आपने हर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की वीडियो जल्दी मैं पोस्ट करूंगा जिसमें विद आंसर होगा सारे आंसर की आपके सामने होंगे आप देखिए कितने क्वेश्चन आपने सही किया क्वेश्चन का थोड़ा सा मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन का सबसे अच्छा फ्रंट यही लगा मुझे ये पेज ये वाला कि इसमें देखिए थोड़ा सा ट्रिक पूछा गया है अगर आप नॉर्मली पढ़ेंगे तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा समझ लीजिए आंसर आपके सामने ही है कि ये ऐसा होता है तो नेक्स्ट क्या होगा ठीक है और यहाँ पे देखिए चौबीस नंबर का क्वेश्चन कितना अच्छा है कि एक व्यक्ति से कहता है वो ठीक है तो यहाँ पे देखिए ससुर का ये जो है फादर इन लॉ कितना अच्छा यहाँ पे पूछा गया है वो महिला को एक इशारा करते हुए कहता है कि ये जो है जो महिला है वो मेरे देखिए आप यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एक पुरुष जो महिला को इशारा करते हुए कहता है इसकी माँ इसकी पति की माँ ठीक है और मेरे मतलब जो हैं उनके इकलौते मेरे जो मेरे पिताजी के अपने यहाँ पे देखिए एंक, एंक दिख रहा है तो इसमें मतलब बहुत ही संबंध मतलब वही मैं कह रहा था कि आपके ब्लड रिलेशन में जो क्वेश्चन हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वो सीधे सीधे बहुत ही अच्छा लगा मुझे कोई पेपर तो अब बाकी आप देख लीजिए आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो आपको लग रहा हो कि इसका आंसर ये होगा तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ठीक है लेकिन आपको बस दिख रहा हो कि इसमें कुछ गलती है तो आप कमेंट कर दीजिए बाकी फालतू में कमेंट मत कीजिए कि सर ये कोई या कि वो क्या आप लोग थोड़ा समझदार हैं ना ठीक है देखिए थर्टी फाइव नंबर के क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन और इसी पेपर के साथ साथ मैं आपको दूसरा पेपर भी दिखाऊंगा अभी ठीक है वो पेपर भी क्या है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है क्योंकि जस्ट उसके जैसे क्वेश्चन मतलब दो सेट है पूरे के पूरे उसमें भी कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और आपको मैंने पहले बताया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या है कि बस पैटर्न थोड़ा सा थोड़ा बहुत दिख रहा है आपको कि क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है लेकिन सब सिलेबस का एकदम पूरा एक ही जैसा ही है कहीं भी चले जाइए आप सारा सिलेबस एक जैसा है तो क्वेश्चन पेपर का दूसरा वो भी दिखाता हूँ आपको एक पेपर है उसके बाद में कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है हंड्रेड क्वेश्चन का पूरा सीरीज जो आप लोगों के लिए तैयार किया गया है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर की सीरीज देख रहे हैं आप इसमें भी आपको दिखेगा एक पूरा पार्ट कंप्यूटर का दे रखा है ठीक है तो उसमें देखिए पूरा ई क्या होता है मेल कौन कौन से होते हैं, जी मेल होता है ठीक है याहू मेल होता है हॉटमेल होता है लेकिन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से कर देंगे ठीक है और ये कंप्यूटर का मैं बताऊं आपको क्योंकि यहाँ पे डिजिटल वाला अवेयरनेस है तो कंप्यूटर के क्वेश्चन तो 100 परसेंट आएंगे और हो सकता है कि बीएससी का थोड़ा सा टफ भी हो पेपर क्योंकि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि बी का पेपर से बी का, का पेपर थोड़ा सा टफ होता है तो थोड़ी सी अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि क्वेश्चन और ये कोई भी बच्चा ना सोचे मैं आपको पहले ही बता दूं कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट करके डायरेक्ट पर्सनली इंस्टाग्राम पे पूछा था कि सर अगर आप इसमें कम नंबर आ जाएं तो क्या हम फेल हो जाएंगे या फिर ये तो कॉलेज स्तर का पेपर है तो ऐसा कुछ भी नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर ही इसकी चेकिंग होगी और ये वही पेपर है जिसके आपको पास होना है ठीक है जैसे कि आपने पता होगा ईयरली वालों में जो होते थे फिजिकल एजुकेशन एंड वो वाले होते थे तो वो पेपर में भी अगर पास नहीं हुआ कंपलसरी पास होना है इसमें अगर पास नहीं होते तो इसको भी बैक पेपर आपको देना पड़ेगा रेडी रहिए आप आपके 800 या एक हजार रुपये का जो फॉर्म भरा जाता है बैक पेपर के लिए अगर इसमें आप पास नहीं करते थे और इसमें पास करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें प्रैक्टिकल अगर कुछ नहीं है सीधे सीधे आपको नंबर लेके आने हैं तो आप कम से कम चालीस नंबर लेके आइए तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ पास हुए हैं इसमें और बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसीलिए ये भी मत समझ लेना कि बहुत ईजी पेपर होगा पूरे मैंने पेज में आपको यही बता रहा हूँ बार बार हंड्रेड परसेंट पेपर को थोड़ा सा पढ़ लीजिए इतना मत समझ लेना कि बहुत सरल पेपर आएगा ठीक पे है और देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस जो लिए गए हैं ना वो फील्ड बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे दिखाई गई है ऐसा नहीं है कि बस वही आपके विटामिनस यहाँ पे दिख रहे हैं तो इस बार भूल जाइए थोड़ा सा वो लोग जो सो रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा ये पेपर तो हो गए हमारे बाकी पेपर हो गए इस पेपर को क्या है ये तो ऐसे ही हो जाएगा तो ऐसा नहीं हो जाएगा इसको भी थोड़ा सा पढ़ना है और जिन लोगों ने पेपर दिया उन लोगों को समझ में आ ही गया होगा तो कि क्या पेपर का स्टेटस था ठीक है देखिए लैंग्वेज वगैरह का कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है कंप्यूटर की यहाँ पर देखिए भाषाओं के और देखिए उसके बाद में कोडिंग सिस्टम तो मैंने आपको बोला था कि अदिति क्लास को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग भी वहाँ पर जाके बस सब्सक्राइब कीजिए और आपको समझ में आएगा थोड़ा सा कंप्यूटर की क्लास भी क्योंकि काफ़ी लोग तो परेशानी है अभी तक यही समझ रहे हैं कि कंप्यूटर के सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो कोडिंग भी कुछ होता है और पैनता वगैरह बहुत बहुत अच्छे अच्छे जावा वगैरह स्क्रिप्ट एस टी सिखाती है वो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग तो आपके समझ में भी आएगा कि क्या आप थोड़ा सा पढ़ रहे हैं हम ठीक है और एक इसकी के बाद में देखिए इसी के बाद में मैं आपको दूसरा पेपर भी दिखाता हूँ बाकी पीडीएफ डी एफ मांगेंगे मुझे है आप लोग पीडीएफ मांगेंगे तो देखिए टेलीग्राम पे आप जाइए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम फ्री है आप लोगों के लिए आप वहाँ पर मत कहना ना कोई सर ये पैसे लग रहे हैं इसमें भी वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा आपको ठीक है आराम से टेलीग्राम पर जाकर पी डी एफ ले लीजिए इसका और एक और दूसरा पेपर है उसके साथ में हंड्रेड मैंने आपको बताया था एक सौ नौ या एक सौ ग्यारह के समथिंग समथिंग कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन भी फास्ट में आपको दिखा देता हूँ कि आप उन लोगों को भी थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए थोड़ा सा कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं बाकी इस क्वेश्चन पेपर में किसी भी प्रकार का डाउट हो फिर से बोल रहा हूँ तो आप सीधे सीधे कमेंट कीजिए ठीक है और फालतू की बकवास मत कीजिए सीधे कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डाउट है आप क्लियर कीजिए तो फिर मैं उसको बता देता हूँ कि क्या क्वेश्चन है बाकी मेरे हिसाब से तो अधिकतर क्वेश्चन के आंसर मतलब सारे ज़्यादातर कहता हूँ एकाध हो सकता है थोड़ा सा मिस हो जाता है कभी कभी पढ़ने में भी ठीक है और कुछ कुछ तो ऐसे ही होते हैं जो कि आपत्ति वाले ही होते हैं उनको तो हम भी सही नहीं कर पाएंगे यूनिवर्सिटी सही नहीं कर पाती तो हम क्या कर पाएंगे उनको सही ठीक है तो उसके नंबर तो आपको हंड्रेड परसेंट मिल नहीं है बाकी अगर आपने हंड्रेड क्वेश्चन किए हैं तो बहुत अच्छी बात है सेवेंटी फाइव की है तो बहुत अच्छी बात है अगर हंड्रेड में अगर चेक होता है तो सही है सेवेंटी फाइव चेक किए होंगे तो लास्ट वाले ट्वेंटी फाइव को क कर देगा क्योंकि यही रूल है कि पहले गिने जाएंगे लास्ट वाले नहीं गिने जाएंगे चाहे आपके सही हों या गलत हो पहले पचहत्तर में से ही आपको आंसर बता दिया जाएगा ठीक है और अगर पहले की बात होती है तो फिर 25 फाइव नंबर बतानी यूनिवर्सिटी कहाँ से ऐड करेगी वो तो मुझे अभी तक पता ही नहीं लग रहा क्योंकि इसका प्रैक्टिकल में भी कुछ नहीं दिख रहा हो सकता है भाई कोई प्रैक्टिकल हो इसका अब देखिए मैं इसके बाद में आपको देखिए ये पूरा 89 का सीरीज पूरा हो गया इसके बाद में मैं अभी हंड्रेड क्वेश्चन का पूरा सीरीज करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन पेपर का देख लीजिए पूरी सीरीज हो गई ये नाइन्टी और ये देखिए हंड्रेड क्वेश्चन का पूरा सेट हो गया नाइन्टी सेवन अब बाकी देख लीजिए अगर आपको किसी में इसमें प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता दीजिए 99 नाइन देखिए और ये हंड्रेड नंबर का क्वेश्चन आप देखिए मैं एक और पेपर का सीरीज दिखा देता हूँ आपको जल्दी फटाफट देख लीजिए इसमें आंसर टिक नहीं किए गए हैं लेकिन आप क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर भी ठीक है फिर देखिए आप क्वेश्चन सेवेंटी फाइव नहीं पूछा गया था क्योंकि ये अदर यूनिवर्सिटी का पेपर है तो आप ये मत कहना एम जी यूनिवर्सिटी का पेपर है क्योंकि उसमें हंड्रेड क्वेश्चन दिखा रहा था यहाँ पे सेवेंटी फाइव क्वेश्चन दिखा रहा है और सेवेंटी फाइव नंबर के ही क्वेश्चन यहां पे दिखा रहा है और लेकिन ये पेपर वही है आप देखिए मैंने आपको बोला था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आप पेपर को देखिए बस ये मत देखिए अदर यूनिवर्सिटी का मैंने आपको बोला था क्योंकि अदर यूनिवर्सिटी के पेपर ही पेपर दिखा चुका हूं सेम क्वेश्चन हैं से, तो देखिए इसमें भी कितने सारे क्वेश्चन मिले हैं जो अभी मैंने बीकॉम का पेपर दिखाया था एम जी पी का था उसमें से देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन मिलेंगे अब आप यहां से भी आराम से पढ़ सकते हैं लेकिन आप यहाँ पे आंसर खुद लगाइए देखते हैं कितने क्वेश्चन आपको आते हैं कितने क्वेश्चन को आप सही से सही कर पाते हैं इसके लिए आपको ये सीरीज दिया गया है ये समझिए आप ये टेक्स आपका टेस्ट है तो यहाँ पे आराम से उसको पहले देख लीजिए सॉल्व वाले क्वेश्चन उसके बाद में ये सोल्व क्वेश्चन देखिए इनको सॉल्व कीजिए कितने क्वेश्चन आपको याद हैं जब आपका पेपर होगा तो अगर आपने ये सॉल्व किया है ना और दोनों पेपर को अच्छे से पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपके फिफ्टी फाइव परसेंट क्वेश्चन कंप्लीट ना हो हो सकता है कि चालीस बयालीस पैंतालीस परसेंट क्वेश्चन अलग से आ जाए हो सकता है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब तक जितने पेपर हुए हैं एमजीपी हिस्ट्री में अगर बीकॉम का पेपर में बीएससी के पेपर में मिलाया जाए तो सत्तर सत्तर परसेंट तक मैच होता है तीस परसेंट क्वेश्चन कुछ अलग होते हैं वो भी अपडेटेड होते हैं बस कंप्यूटर वगैरह का जो भी जो भी आपसे पार्ट पूछा गया उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप कितने क्वेश्चन को आप कर पाएंगे ये कमेंट जरूर कीजिए ठीक है कि कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं न्यू पेपर में जो आपको मैं पेपर दिखा रहा हूं आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है इस पेपर में से आपने कितने क्वेश्चन किए वो मुझे बताना कमेंट में और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना कि आप देखिए दोनों पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए एक जो बीकॉम में हुआ था एमजीपी जी पी टीम अब तक एक ही पेपर हुआ है फिफ्थ सेमेस्टर का बीकॉम का वो आपको प्रोवाइड करा दिया विद आंसर की ठीक है तो आप उससे तैयारी करेंगे एंड ये पेपर आप सॉल्व करेंगे खुद से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और अगर आपने ये क्वेश्चन दोनों सॉल्व कर लिए दो ये वाला मतलब वो तो आपने पढ़ लिया और ये वाला सॉल्व कर लिया तो हंड्रेड परसेंट आपके अच्छे नंबर आने हैं तय है ये तो क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन से अलग हटके के क्वेश्चन ही नहीं सकते एम जीपी रोक का जब पेपर का नाम ही एक जैसा है और पेपर का पैटर्न भी एक जैसा है क्वेश्चन एक जैसे पूछे जाएंगे हंड्रेड तो इसके साथ साथ मैं अभी आपको 100 क्वेश्चन और दिखाऊंगा ठीक है तो ये बड़ा वीडियो इसलिए बनाया गया है कि पूरी तैयारी हो जाए एक ही बार में अगर एक बच्चा पढ़ ले ये वीडियो को थोड़ा सा समझ ले तो उसको पूरा समझ में आ जाएगा कि भाई एक बार में क्या है ठीक है तो ये पूरा एक बार में देखिए देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए मैंने आपको बताया था कि ऐसे ही क्वेश्चन उसमें दिखे थे ठीक है ऐसे ही क्वेश्चन उसमें ही दिखे थे देखिए ये देखिए आप तो ऐसे क्वेश्चन दिखे थे अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में नज़र आएंगे जब आप पेपर देने जाएंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि जितना बॉटनी आफ्टर क्लास पर बताया गया था आपको पेपर वो पेपर कैसा पेपर आया था उसी टाइप के क्वेश्चन पेपर आए थे तो इनको भी आप सॉल्व कीजिए कैसे क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर थोड़ा से ज़्यादा दिख रहा है लेकिन उसमें अभी जो बी वाला मैंने दिखाया था आपको उसमें थोड़ा कम था लेकिन क्वेश्चन तो आने हैं इस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन आने हैं उसके बाद में वर्ड रिलेशन वाले जो हैं वो भी क्वेश्चन आने हैं उसके बाद में कंप्यूटर का तो पोर्शन है ही 45 परसेंट पोर्शन तो कंप्यूटर है ही अकेला 45 परसेंट कंप्यूटर का ऑप्शन है यहाँ पे क्योंकि डिजिटल अवेयरनेस जागरूकता वो कंप्यूटर से ही है ठीक है बाकी आपका लेन देन के क्वेश्चन भी हैं यहाँ पे दिख रहा है वो क्वेश्चन है और बाकी आप देख लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर पाए बाकी हमने बोल रखा है आपसे कि जब भी आपको मतलब टाइमिंग हो ठीक है तो आप इस वाले पेपर को जरूर सॉल्व करना मैंने आपको पहले ही बताया था कि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और अभी तक आपने शेयर नहीं किया हमारे वीडियो को तो बस ये तो आपकी गलत बात है ना आप अब वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि काफ़ी देर से हमने आपको वीडियो बनाया था और काफ़ी इसमें देखिए इसके बाद मैं पूरा एक और आपको देखिए ये पेपर तो दो हो गए इसके बाद मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा ठीक है वो भी चुने गए हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए आप वो भी दिखा देता हूँ आपको कैसे क्वेश्चंस का सीरीज है जो कि एग्जाम में हंड्रेड वन परसेंट आने के चांसेस हैं और वो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं तो आप जी जल्दी से जल्दी देख ली और देखिए दोनों पेपर ही तो अंदर तेईस हैं तो इस बारे में तो आप कह ही नहीं सकते कि सर ये पुराना क्वेश्चन पेपर है क्योंकि देखिए फिफ्थ सेमेस्टर में ऑटो तो फिल यही आया था आपका सब्जेक्ट सारे चाहे आप बी का फॉर्म भरें चाहे आप बीए का फॉर्म भरें या आप बी का फॉर्म भरें सभी के लिए एक जैसा है तो क्वेश्चन पेपर का सीरीज तो मुझे लगता है कि इसी से आएगा मतलब बस सीक्वेंस चेंज हो सकता है क्वेश्चन कहीं दूसरे नंबर पर होगा तो कहीं सातवें नंबर का होगा लेकिन क्वेश्चन तो आएंगे भाई इस वाले पेपर से क्वेश्चन तो हंड्रेड वन आएंगे अब तक जो हुआ है ना वो तो यही हुआ है एम जी पी के अब तक के पेपर में यही देखा गया है कि क्वेश्चन हंड्रेड वन परसेंट यहाँ से पुटअप किए जाएंगे जल्दी से देख लीजिए सेवनटी वन और ये देखिए सेवेंटी फाइव क्वेश्चन का ही क्योंकि यहाँ पर सेवेंटी फाइव क्वेश्चन का ही दिखाया गया है इस वाले पेपर में यूनिवर्सिटी है वीर बहादुर सिंह इसकी यूनिवर्सिटी में दिखाया गया था मैंने कि एक ही क्वेश्चन पेपर में जो है सेवेंटी क्वेश्चन को ही दिखाया गया है यहाँ पर हंड्रेड क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपके लिए फ़ायदा होगा चाहे क्वेश्चन कितने भी है आपके पास अब एक सौ पिछहत्तर क्वेश्चन की सीरीज है अब सौ क्वेश्चन वो दिखाता हूं फास्ट फास्ट जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है तो वो देख लीजिए फटाफट जल्दी से देखिए ये देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन विद आंसर है पे देखिए कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था सबको पता है बच्चे बच्चे को लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी ऐसा गीगा एक जीवी कितने वाइट होता है तो यहाँ पे पता है एक से ही होता है केवी केवी ये सब जुड़ता जाता है एम बी टीवी ठीक है ये सब आप याद करिए सबसे पहले कंप्यूटर का नाम 100 परसेंट पूछा गया था पहला क्वेश्चन सिद्धार्थ किसकी तो पूरा नाम पूछा सकता है ठीक तो देख है देखिए क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ दिए गए अब इसमें भी अगर आपको आपत्ति हो तो कि इसका आंसर सर आपने गलत दे रखा है तो कमेंट जरूर कीजिए ठीक है पीसी का पूरा नाम क्या होता है तो आपको पता है पर्सनल कंप्यूटर होता है मदरबोर्ड कंप्यूटर का पूर्ण रूप से भाग होता है मुख्य भाग जिसे कहते हैं मददर पटल एच टीटी का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है HTTP का पूरा नाम पूछा जा सकता है ठीक है तो याद रखना इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है और यह पूछा भी जाता है क्या इसका उपयोग करता है रैम क्या है रैम को किस प्रकार की मेमोरी कहते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि हंड्रेड क्वेश्चन क्वेश्चन का पूरा सीरीज आपको दिखाया जा रहा है तो थोड़ा सा पढ़ेंगे आप

सबसे फास्ट प्रिंटर कौन सा है ये भी क्वेश्चन अभी आया था लास्ट टाइम के पेपर में दिख रहा है बीकॉम वाले में सबसे फास्ट प्रिंटिंग कौन करता है कौन सा प्रिंटर है तो आपको बताइए आप उसको कमेंट कीजिए आप ये क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ बताइए ठीक है उसके बाद में देखिए कंप्यूटर की चिप किस पदार्थ प्तार, की बनी होती है दोबारा से देखिए सिलिकॉन क्वेश्चन कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं फास्ट आप देखते जाइए क्वेश्चन को ठीक है माइक्रो चिप सी का पूरा नाम यहाँ पर पूछ लिया सीपीयू पी क्या होते हैं ठीक है ए एल का पूरा नाम यहाँ पे पूछा है कभी कभी पूछ लिया जाता है तो थोड़ा सा आप ये भी देखते रहिए ये देखिए पूरे हंड्रेड क्वेश्चन का सीरीज है ठीक है एक सौ बारह या एक सौ तेरह क्वेश्चन की समथिंग समथिंग है इनको भी चुन चुन के आप लोगों के लिए बताया गया है कि जिससे कि आप एक ही वीडियो देखें और आपको क्लियर हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और क्या पूछा जाएगा और आप कितने क्वेश्चन कर पाएंगे आप बस थोड़ी सी तैयारी आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए थोड़ी सी मेहनत हमने आप लोगों के लिए कर दिया है कि यहाँ पे क्वेश्चंस का पूरा सीरीज बना के दिया है पूरा एक सेट बना के दिया है जैसे कि आप आराम से इसे पढ़ पाएं और तेईस से चौबीस मिनट की वीडियो के अंदर पूरा अगर आपने इसको टाइम दिया है ना तो हंड्रेड वन आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पर तो कुछ ना कुछ तो फायदा हो गई ठीक है ये लॉजिक गेट वगैरह आते हैं ये थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन तो थोड़ा सा देख लीजिए बाकी कंप्यूटर पढ़ने के लिए क्लास मैंने नाम बता ही दिया था उसको सब्सक्राइब कीजिए आदिति को और उसके बाद में देखिए क्वेश्चंस आपके पास बहुत अच्छे अच्छे याद होंगे आप लोगों को ठीक है और सबसे पहले कंप्यूटर क्या कहा जाता था ये भी पता होना चाहिए और भारत का पहला कंप्यूटर क्या नाम था कहाँ पर यूज़ हुआ था ठीक है और कंप्यूटर की जो जनरेशन है आपको पता होगा पीढ़ी के बाद में कंप्यूटर में क्या क्या अपग्रेडेड हो गए अपडेट वर्जन था तो क्या क्या अपडेट किया गया था पहले किस पे चलता था फिर किस पे चलता था तो वो लास्ट क्वेश्चन मैंने उसके लिए बताया था कि कब से कब तक को किस कहा जाता है कौन सी जन को कितने कंप्यूटर कहा जाता है तो ये भी है कंप्यूटर की भाषा भी है ठीक है जावा वगैरह ये सब पूछा जाएगा सी लैंग्वेज वगैरह जी क्या होता है ये सब पूछा जाएगा जी मेल क्या क्या भेज सकते हैं ये क्वेश्चन आया था अभी अभी आया था जी मेल क्या क्या भेज सकते हैं आप कंप्यूटर का आप बी वाले उसमें देखेंगे तो था कंप्यूटर जी पर आप क्या मेल पर आप क्या कर सकते भेज सकते हैं तो हम म्यूज़िक भी भेज सकते हैं पिक्चर भी भेज सकते हैं और टेक्स तो भेज ही सकते हैं हम कुछ भी टाइप करके ठीक है तो ये क्वेश्चन का पूरा सीरीज आपको दिख रहा होगा देखिए पचास क्वेश्चन सत्तावन क्वेश्चन हो गए मैं आपको बताऊं मैंने पूरा एक सौ एक सौ तेरह एक सौ बारह क्वेश्चन का पूरा सीरीज बनाया है ये आप देख लीजिए इसे ये बहुत ही अपडेटेड क्वेश्चन का सीरीज है तो थोड़ा सा आप मैंने बोला था टाइमिंग तो लगेगा लेकिन आप अगर इतना पढ़ते हैं ना तो बस सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है सुपर कंप्यूटर गूगल क्या है तो गूगल एक सर्च इंजन है ठीक है ये आप थोड़ा सा याद रखिए गूगल का भी एक क्वेश्चन आया उसमें और प्राइवेट सर्च इंजन भी पूछा गया है तो गूगल प्राइवेट सर्च इंजन नहीं होता पब्लिक होता है क्योंकि वो कभी भी कोई भी सर्च कर सकता है प्राइवेट नहीं है वो ठीक है किसी एक के लिए नहीं है प्रोसेसिंग किस में होती है माइक्रो प्रोसेसर की कौन सी पीढ़ी है ये सब कुछ पूछा जाएगा लैपटॉप क्या होता है डेस्कटॉप क्या होता है ये सब क्वेश्चन हैं ठीक है और क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए इनमें से है सारे फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि हमने जो आपको आंसर बताए थे उसमें से कुछ गलत है पास्कल के बारे में जरूर पढ़ना ठीक है ब्लेज पास्कल के बारे में ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि इससे दो क्वेश्चन आए थे पिछली बार भी इस बार भी क्वेश्चन आने का चांसेस है फंक्सन की आगे ही देख लीजिए मैंने बताया था आपको ठीक है और ये बहुत फास्ट वीडियो इसलिए बनाया गया है कि आराम से आप लोग पढ़ पाएँ अब बस इसको थोड़ा सा आप स्लो कर लीजिए थोड़ा सा उससे पढ़ सकते हैं एम एस बर्ड और एम एस ऑफिस एक्सल ठीक है पावर पॉइंट पी के बारे में पूछ लिया गया था और ये पूरा नाइन्टी सेवन देखिए पूरा हंड्रेड का सीरीज होने वाला है पूरा अब वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इसका मतलब है कि आप हैं स्टूडेंट बीएससी के या बीए के और अब इसको सेंड कीजिए अपने दोस्तों को उन दोस्तों को जो कि बीए और बी में पेपर देने वाले हैं क्योंकि बीकॉम वालों ने तो पहले ही चेक कर लिया था कि उनका पेपर कैसा हुआ है और उनको पता भी लग जाएगा कि कितने नंबर आने वाले हैं उनके ठीक है तो ये हमारा पूरा सीरीज हुआ और आज की वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मैंने आपको बोला था कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो डालें और आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए तो बेल आइकन दबा लें देखिए ये पूरा क्वेश्चन है पीडी को याद कर लीजिए उन्नीस सौ बयालीस से लेकर उन्नीस सौ पचपन से लेकर बाकी पूरा दिया है वीडियो अच्छा लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट थैंक यू कमेंट थैंक यू फॉर सपोर्ट